हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो आज जो है कुछ कमेंट्स में चेक कर रही थी, ठीक है, तो उसी में मुझे एक कमेंट दिखा कि क्या जीएनएम के साथ साथ हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर अलग से मैं वीडियो बना देती हूँ। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कर रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो है रेगुलर ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेस करनी पड़ती है रेगुलरली, और इस कंडीशन में आपको जो है ग्रेजुएशन आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। बट इसमें एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आप डिस्टेंस कोर्स से ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जो है अपना ग्रेजुएशन को ईजिली कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जीएनएम के साथ साथ। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप अपना जीएनएम का कोर्स जो है वो किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं जहाँ पर आपके लिए रेगुलर क्लासेस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जो है अपना जीएनएम का कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप डिस्टेंस कोर्स से कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप रेगुलर कोर्स से जीएनएम को कंटिन्यू करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप जीएनएम में एडमिशन लोगे आपको आपके कॉलेज का टीसी आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, और विदाउट टीसी जो है रेगुलर कोर्स में एडमिशन कभी नहीं होता है, ये बात आपको भी पता होगा, ठीक है। तो इसी के कारण जो है आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जीएनएम के साथ, क्योंकि जीएनएम जो है एक डिप्लोमा डिग्री है, तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझे इसके साथ साथ अगर डिग्री मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो इस कंडीशन में आप जो है डिस्टेंस प्रोग्राम से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।